हाँ, तो क्या हाल है जनता, व्हाट्सअप। तो आज की वीडियो होगी मेरी करंट शॉवर रूटीन, और अभी हमें टाइम मिल रहा है अपनी स्किन का, हेयर का अच्छे से ध्यान रखने का, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम है अभी। तो यार आजकल वैसे भी हम इतना बाहर तो जा नहीं रहे हैं, मगर फिर भी हमें अपनी स्किन केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर प्रॉपर कैसे आप उस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, हाइजीन और क्लीन कैसे रख सकते हैं अपने हेयर को, स्किन को और बॉडी को। तो आज की वीडियो होगी शॉवर के टाइम में किस किस चीज़ों का ध्यान रखता हूं। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहला स्टेप आता है शॉवर लेने से पहले, मैं एक घंटे पहले ऑयलिंग कर लेता हूं। कोकोनट ऑयल मैं यूज़ कर रहा हूं अपने बालों में, प्रॉपरली कोकोनट ऑयल लगाता हूं एक घंटे पहले और उसको रहने देता हूं। जो मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है वो हमारे बालों को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा। और हम लोगों के पास अभी यार टाइम तो है, एक्स्ट्रा टाइम, घर पे बैठे हो, घर से बाहर इतना मत निकलो। और अगर घर पे बैठे भी हो तो अपने आप को ढंग से केयर करिए, बालों की अच्छे से केयर कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते। और जिनका स्कैल्प ऑयली रहता है तो आई विल सजेस्ट आप ये वाला स्टेप स्किप कर देना। सेकेंड स्टेप आता है शैम्पू। एक घंटे के बाद जब ऑयलिंग हो चुकी है, अब शैम्पू हम लगाएंगे। और मैं पतंजलि का शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ। और मैं अपनी बात बताऊँ, आपके पास कोई और शैम्पू आप जो यूज़ करते हैं रेगुलर, आप वो शैम्पू यूज़ कर लेना। मैं ये शैम्पू इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, यार दिल्ली में मैं रहता था, मेरा हेयर फॉल बहुत होता था और इसी शैम्पू ने मुझे बचाया होगा जितना मुझे आईडिया है। और मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप शैम्पू कर भी रहे हैं तो हफ्ते में दो बार तो शैम्पू आपको करना ही चाहिए। आप आउटडोर कोई एक्टिविटी करते हैं, आउटडोर हेलमेट पहनते हैं, गर्मियों का टाइम है, हेलमेट पहनेंगे स्वेट आ जाता है। और हफ्ते में मैं अगर आउटडोर ज्यादा काम होता है मेरा तो आई विल सजेस्ट आप दो बार करिए। अगर आउटडोर ज्यादा काम नहीं है आप हफ्ते में एक बार भी कर सकते हैं, मगर ढंग से करना शैम्पू। और जब आपका शैम्पू हो चुका है आप पानी से अच्छी तरह धो लीजिए कि शैम्पू ढंग से निकल जाए, और आपने एक्स्ट्रा जो पानी है ना बालों में वो निकाल लेना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन करना है कंडीशनर। मैं पतंजलि का ही कंडीशनर यूज कर रहा हूँ और मैं कोई पतंजलि प्रमोट नहीं कर रहा। वो मुझे सब बोलते हैं कि भाई आप प्रमोट कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं 6 से 7 साल पतंजलि ही यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा सूट हुआ है। आप कोई भी कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, जो आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं आप वही कंडीशनर यूज़ करना। अब आपने हल्का हाथ में डाला, मिक्स किया अपने बालों में, अच्छी तरह मसाज किया, इसको ढंग से किया। और मुझे कंडीशनर अप्लाई करने की बात की जाए, मैं बियर्ड पे भी लगाता हूँ, बियर्ड पे शैम्पू भी यूज़ किया मैंने और कंडीशनर भी यूज़ किया, और उससे मेरे बाल स्मूथ हो जाते हैं। शैम्पू के बाद मैं कंडीशनर अप्लाई करता हूँ, मुझे पता लगता है मेरे बाल पूरी अच्छी तरह स्मूथ हो चुके हैं। अब आप कंडीशनर को अपने बालों में रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम 4 से 5 मिनट इसको रहने देना, वो अच्छा रिजल्ट देगा कंडीशनर। और एक चीज़ बोलूँगा, अब हम कर रहे हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में सबसे पहले मैं क्लिनजिंग कर रहा हूँ अपने फेस का फेस वॉश के साथ। और मैं फेस वॉश यूज़ कर रहा हूँ निविया का। पहले बता दूं, आपके पास कोई और ऑप्शन होगा फेस वॉश वो भी यूज़ कर लेना, ठीक है। आपने फेस वॉश जो आप रेगुलर फेस वॉश यूज़ करते हैं वही कर सकते हैं, मैं निविया कर रहा हूँ। हम फेस वॉश इसलिए करते हैं जो डस्ट इम्प्योरिटीज बाहर होती है हमारे फेस से अच्छी तरह निकल जाए। और आपको दिन में दो बार तो करना ज़रूरी है, एक सुबह करिए और एक रात को सोने से पहले करिए, ठीक है। आपने फेस वॉश किया, सर्कुलर मोशन में घुमाया, उसके बाद आप मुँह धो लीजिए। मुँह धोने के बाद अब आती है स्क्रबिंग। अब आपके बालों में कंडीशनर लगा हुआ है अभी भी, रहने दीजिए कंडीशनर रहने देना, ठीक है। अब आती है स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए मैं एवरयूथ का वॉलनट स्क्रबर यूज़ कर रहा हूँ। जिनकी स्किन हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव है, प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा आप पैच टेस्ट कर लीजिए। जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं पहले पैच टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आप एप्लीकेशन करना शुरू करें, ठीक है। आपने अच्छी तरह स्क्रबर घुमाया अपने फेस पे और प्यार से घुमाया, ठीक है, ज़्यादा ज़ोर से मत करना, आराम से। इससे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स आपके निकलेंगे, आपकी डेड स्किन भी रिमूव होगी। आपने 2 से 3 मिनट स्क्रबिंग की, आराम से स्क्रबिंग की, अब आपकी स्क्रबिंग कंप्लीट है। अब आता है उसके बाद आपको बॉडी वॉश। बॉडी वॉश भी मैं पतंजलि का यूज़ कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे फिर प्रमोट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। और स्पेशली बॉडी वॉश की बात की जाए, मैं बॉम्बे रहता था, मम्मा ने मुझे सजेस्ट किया कि यार बेटा ये ले ले, अच्छा है यूज़ करने। मैंने यूज़ किया और मुझे अच्छा लगा। मैंने लूफा लिया, और लूफा आपको कहीं भी मिल जाएगा मार्केट में लूफा, और ये मुझे 30-25 रुपीज़ का पड़ा है। आपने लूफा लिया, बॉडी वॉश डाला, ठीक है, अपनी बॉडी में रब करना शुरू किया। लूफा से हेल्प होता है, डेड स्किन अच्छी तरह रिमूव होती है और अच्छी तरह हमारी बॉडी क्लीन होती है, ठीक है। आपने लूफा फुल बॉडी किया, एल्बोज पे किया, आर्म्स पे किया, थाइस पे किया, नीज पे किया, फुट पे किया। और फुट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टोन का। ये स्टोन का अच्छा है यार, स्टोन लूफा, मैं इसको स्टोन लूफा ही बोलता हूँ, और ये इजी टू यूज़ है। और जो स्टोन लूफा मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी मुझे लगभग
20 से 25 का पड़ा हुआ है, आप इसको लेके अपने फुट से रब कर सकते हैं। देखिए मैं कैसे रब कर रहा हूँ, अच्छी तरह आप रब करिए, हेल्प करेगा आपकी फीट क्लीन करने में। ठीक है, आपने किया आराम से करके, और अब मैं लूंगा शॉवर। मैंने फुल बॉडी शॉवर ले लिया, अब मैं आ गया हूँ बाहर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ उसके बाद मैंने क्या यूज़ करना है। आप यूज़ कर सकते हैं एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बढ़िया है, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एज ए मॉइस्चराइजर। अपने फेस पे करिए, आर्म्स पे करिए, लेग्स पे कर सकते हैं अगर आप चाहें। मॉइस्चराइज अच्छी तरह अपना कर लीजिए, मॉइस्चराइज किया। उसके बाद स्टेप आता है आपकी मर्जी, अगर आपको लगाना है आप हेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कौन सा मैं प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ हेयर सीरम के लिए, और मैं वो इतनी रेगुलरली नहीं यूज़ करता, कभी कभी जब मूड होता है मैं तभी यूज़ करता हूँ। वैसे मैं अपने बाल ड्राई ही रखता हूँ। अब हेयर सीरम, आप जब बाल अच्छी तरह ड्राई हो गए हैं उसके बाद हेयर सीरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो अब होता है खत्म। और एक और चीज बोलूंगा, मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, आप मुझे उधर फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं। अगर आपको कोई और नई वीडियोस चाहिए आप मुझे वहाँ मैसेज करिए और बता सकते हैं आपको किस रिलेटेड वीडियो चाहिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।